शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ग्वार सीड और ग्वार गम में बीते कारोबारी सप्ताह भारी गिरावट देखने को मिली। ग्वार गम और ग्वार सीड में 6% के निचले सर्किट भी लगते दिखाई दिए। कच्चे तेल की कीमतों पर नजर डालें तो कच्चा तेल $100 के पार जाता दिखाई दिया। ऐसे में कारोबारियों के बीच चर्चा हो रही है कि जब कच्चा तेल $100 के पार ज्यादा दिखाई दे रहा है और रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते इतनी तेजी देखने को मिल रही है कच्चे तेल के अंदर, तो फिर ग्वार वायदा बाजार में तेजी क्यों नहीं देखने को मिली? ग्वार में तेजी के बजाय निचले सर्किट लगते नजर आए। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध के कारण ग्वार कॉम्प्लेक्स में गिरावट आई है। इस पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, उससे रूस की तरफ से कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए ग्वार गम में इस्तेमाल में कमी आ सकती है, जिससे भारत का ग्वार का निर्यात प्रभावित हो सकता है। अमित सजेजा के अनुसार जब तक ग्वार सीड की कीमतें 6200 के ऊपर नहीं निकलती हैं, तब तक ऊपरी स्तर पर बिकवाली की जा सकती है और इसी दौरान बाजार नीचे में 5670 तक ज्यादा नजर आ सकता है। वहीं ग्वार गम पर अमित सजेजा का कहना है कि ग्वार गम की कीमतें जब तक 11300 के ऊपर नहीं निकलती हैं, ऊपरी स्तर पर बिकवाली की जा सकती है। ग्वार गम की कीमतें नीचे में 10600 तक के स्तर दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।